हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक फुल थाली की रेसिपी जो हम बनाएंगे विदाउट ऑनियन और गार्लिक के, और बिना प्याज लहसुन के भी यह थाली बहुत ही टेस्टी बनेगी। इस थाली में हम बनाएंगे एकदम टेस्टी कढ़ी, साथ ही बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल वेज पनीर की सब्जी, और हम बनाएंगे इस थाली में खीर जो कि हम कुकर में बनाएंगे, साथ ही बनाएंगे मसाला पूड़ी और बनाएंगे मीठे पुए। ये थाली आप पूजा में भोग लगाने के लिए भी बना सकते हैं। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ी बनाने के लिए ये मैंने 2 कप खट्टा वाला दही लिया है, इसको मैं थोड़ा सा मिला लूँगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच बेसन, जो हमारे खाना खाने वाले चम्मच नॉर्मल वाले जो होते हैं वही यूज़ किया है मैंने। अब इसको हम एक विस्क से अच्छी तरह से फेंट लेंगे, इसमें एक भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। देखिए अच्छे से फेंट लिया है मैंने। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। अब हम एक पैन में 2 चम्मच के करीब ऑयल लेंगे। तेल के गर्म हो जाने पर गैस की फ्लेम को हम कम कर देंगे और इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। हींग डालने से डाइजेशन में हमारी हेल्प करती है, इसीलिए इसमें थोड़ी सी हींग ज़रूर डालें। अब हम इसमें बेसन और दही का मिक्सचर डाल देंगे, साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें 3 गिलास के करीब पानी। गैस की फ्लेम फुल कर देंगे। अब दही डालने के पहले हमने गैस की फ्लेम कम रखी थी, और डालने के बाद हम इसको फुल कर देंगे, और अब इसे लगातार चलाना है हमें जब तक कि इसमें एक बॉईल नहीं आ जाता है। बॉईल आने के बाद हम फ्लेम को कम कर सकते हैं। अगर हमने इस टाइम इसको नहीं चलाया और इसी तरह से छोड़ दिया तो ये फट सकती है, इसलिए इस टाइम चलाते रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए इसमें बॉयल आ गया है। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम करके इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकने देंगे। जब तक ये कढ़ी पकती है हम पकोड़े बना लेते हैं। कढ़ी के पकोड़े बनाने के लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है, इसमें थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ, साथ ही डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन ज़रूर डालें, इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी और इसका पकोड़े की तरह घोल बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, इससे इसमें गुठलियाँ या गाँठें ना पड़ें। एकदम से पानी डालने से गाँठें पड़ सकती हैं। देखिए इसको अब हम क्या करेंगे, एक ही डायरेक्शन में अच्छी तरह से फेंटेंगे, इससे पकौड़े सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनते हैं। देखिए ये रेडी है, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब मैंने ये ऑयल गर्म होने रख दिया था, इसमें अब हम पकोड़े को फ्राई कर लेंगे। मैं स्पून से डाल रही हूँ पकोड़े, आप चाहो तो हाथ से डाल सकते हैं। छोटे छोटे पकौड़ियाँ बनाएंगे हम, क्योंकि कढ़ी में जाने के बाद ये थोड़े से फूल जाएंगे। अलट पलट के दोनों तरफ से हम सेक लेंगे इसको, और फ्लेम हमको मीडियम पे रखनी है जिससे कि अंदर तक पक जाए ठीक से। देखिए ये पक गए हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह से सारी पकौड़ियाँ मैं बना के रेडी कर लूँगी। इधर ये कढ़ी में भी मैंने नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार, और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। अब नमक बाद में ही डालें, इससे क्या होगा कि कढ़ी के फटने के चांसेस कम हो जाते हैं, और कढ़ी पकते पकते थोड़ी सी रिड्यूस भी हो जाती है, तो नमक का अंदाज़ा ठीक से लगा सकते हैं हम बाद में डालेंगे तो। अब हम पकौड़े डाल देंगे इसमें। गैस की फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे। मिक्स कर रही हूँ अब। अब हम कढ़ी के लिए तड़का बना लेते हैं। इसके लिए 2 चम्मच ऑयल लिया है मैंने, और ऑयल के गर्म हो जाने पर इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1/4 टीस्पून जीरा, साथ ही डालेंगे 1 हरी मिर्च, ये मैंने स्लिट कर ली है जिससे कि अगर बच्चे वगैरह खाएं तो वो इसको निकाल सकते हैं अलग, और इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, और इस तड़के को अब हम कढ़ी में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। देखिए हमारी एकदम टेस्टी कढ़ी तैयार है। अब हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल मिक्स वेज पनीर। तो इसके लिए मैंने ली है 1 छोटे साइज़ की गोभी, 1 गाजर, इसको मैंने छील के लंबा काट लिया इस तरह से, और 1 शिमला मिर्च, 1 आलू क्यूब्स में कटा हुआ,
और 200 ग्राम पनीर लिया है, इसको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया है। आप अपने पसंद की सब्जियां इसमें डाल सकते हैं और जो आपको पसंद ना हो उसको आप ना डालें। एक कढ़ाई में मैंने 4 बड़े चम्मच ऑयल लिया है। तेल के गर्म हो जाने पर हम इसमें गोभी डाल देंगे और इसको हमें हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करना है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। ये जो हम मिक्स वेज बना रहे हैं ये बिल्कुल शादियों वाली मिक्स वेज बनेगी। सभी सब्जियों को हमें 80% तक कुक करना है और 20% हम ग्रेवी के साथ कुक करेंगे। देखिए गोल्डन हो गई है गोभी, इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आलू, इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। इसको भी हमें हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करना है। फ्राई करके डालने से सब्जियां जो होती हैं वो थोड़ी सी क्रिस्पी रहती हैं, बिल्कुल घुलती या मैश नहीं होती हैं। जब तक आलू फ्राई होते हैं तब तक हम सब्जी के लिए मसाला बना लेते हैं। इसके लिए जार में लिया है एक टमाटर, इसको मैं रफली चॉप कर लूँगी। ये मैंने बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, आप चाहे तो छोटे छोटे, अगर आपके पास टमाटर हो तो 2 टमाटर ले लें। इस सब्जी में हम सिंपल ही चीज़ें डालेंगे। साथ ही डाल रही हूँ मैं इसमें अदरक, 1/2 इंच का टुकड़ा लिया है ये मैंने, और 2 हरी मिर्च, इसको मैं ऐसे ही डाल दे रही हूँ। और इसको अब हम बिना पानी के इसी तरह से पीस लेंगे। देखिए पीस गया है। इधर आलू भी हमारे फ्राई हो गए हैं, इसको भी हम निकाल लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे गाजर और शिमला मिर्च और इसको डाल के तुरंत कढ़ाई को ढक दें, क्योंकि ये बहुत तेल उछलता है इसको डालने के बाद। इसी तरह से हम चलाएंगे, ढकेंगे और फिर से हम इसको चलाएंगे, पका लेंगे इसको। इन्हें पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसको बस 1-1.5 मिनट ही लगता है फ्राई होने में। गोभी और आलू जैसी हार्ड सब्जियों को पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए ये फ्राई हो गए हैं, इसको भी हम निकाल लेते हैं। लास्ट में हम इसी तरह से पनीर डाल देंगे और इसको ढक देंगे। इसको भी हमें गोल्डन होने तक फ्राई करना है। देखिए ये हो गए हैं, अब इसको भी हम निकाल लेते हैं। अब हम इसी बचे हुए तेल में डाल देंगे हींग, साथ ही डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा। उसके बाद ये मैंने अदरक लिया है, लंबा लंबा जूलियंस में काट लिया है, 1 इंच का टुकड़ा लिया था ये मैंने, और 2 हरी मिर्च, इनको हल्का भून लेंगे। अब हम इसमें पिसा हुआ मसाला यानी कि टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का जो पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। पेस्ट उछलेगा बहुत तो इसीलिए इसमें हम इस टाइम पे डालते ही ढक्कन लगा देंगे। देखिए अब इसमें हम डाल देंगे मसाले। मसालों के लिए मैंने इसमें लिया है 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, मिर्च कमी डाले क्योंकि हरी मिर्च भी डाली है हमने इसमें, 1 टीस्पून किचन किंग मसाला, नमक स्वाद अनुसार, और सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और साथ ही मैं डाल रही हूँ उसमें 1/2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है ग्रेवी में। मिक्स कर देंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि ऑयल मसालों से सेपरेट ना हो जाए। बीच बीच में चलाते रहें और चेक करते रहें। देखिए ऑयल अलग हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच फुल भर के घर की मलाई, जो नॉर्मल घर में जो दूध आता है उसमें मलाई निकलती है वही यूज़ किया मैंने। मिक्स कर लेंगे और इसको ढक के 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे। देखिए मसाला पक गया है, ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम इसमें डाल देंगे फ्राई की हुई सब्जियाँ। पनीर को छोड़ के हम बाकी सारी सब्जियाँ डाल देंगे इसमें, क्योंकि इस टाइम अगर हम पनीर डाल देंगे तो वो थोड़ा च्यूई और हार्ड हो जाएगा। लास्ट में डालेंगे हम पनीर को और मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप पानी और इसको अब हम ढक के लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पका लेंगे। देखिए 5 मिनट हो गए हैं और ऑयल भी सेपरेट हो गया है, ये ऑलमोस्ट पक गई है। अब हम इसमें डाल देंगे पनीर जो हमने फ्राई किया था और इसको मिक्स कर देंगे। देखिए अभी से कितनी टेस्टी लग रही है ना। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला, साथ ही डालेंगे 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी। इसको ऐसे मसल के डालेंगे जिससे कि इसका फ्लेवर अच्छे से रिलीज होगा।
मिक्स कर देंगे सभी चीज़ों को और गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। और यह हमारी एकदम टेस्टी मिक्स वेज पनीर की सब्जी तैयार हो गई है। अब हम बना लेते हैं झटपट से बनने वाली खीर। तो हम गैस पर कुकर चढ़ाएंगे। ये मैंने आधा कप चावल लिए हैं, नॉर्मल वाले बासमती राइस जो होते हैं वही लिए मैंने। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको 15 मिनट के लिए भिगोने रख दिया था। अब हम इसका पानी निकाल देंगे और ये चावलों को थोड़ा सा हम इस तरह से मसल लेंगे। ये एक ट्रिक है, इससे क्या होगा कि खीर बहुत ही जल्दी गाढ़ी हो जाती है। अब हम इसको कुकर में डाल देते हैं और इसमें मैं डाल रही हूँ अब एक गिलास दूध और कुकर का लिड लगाकर मीडियम फ्लेम पर हम एक सीटी आने तक पका लेंगे। देखिए एक सीटी आ गई है। अब गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और कुकर को खुद ही ठंडा होने देंगे, सीटी इसकी नहीं निकालनी है हमें। यहाँ एक कुकर ठंडा हो गया है, अब हम गैस ऑन कर लेते हैं और फुल फ्लेम कर लेंगे इस टाइम पे। और देखिए चावल भी अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे एक गिलास दूध मैंने पहले डाला था और एक गिलास दूध मैंने अभी डाला है, यानी टोटल मैंने दो गिलास दूध यूज़ किया है। इसमें एक उबाल आने देंगे। देखिए उबाल आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स। यहाँ मैंने पिस्ता, काजू, बादाम और किशमिश को चॉप करके यूज़ किया है। साथ ही डाल देंगे इसमें आधा कप चीनी। तो जितने मैंने चावल लिए हैं उतनी ही मैंने शक्कर ली है। आप अपने हिसाब से टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे ऐसे ही हम ओपन में लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पका लेंगे। बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। देखिए 5 मिनट हो गए हैं और ये कितनी थिक हो गई है। लास्ट में हम डाल देंगे 4-5 इलायची का पाउडर और इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए कितनी लाजवाब खीर बनी है, कोई बता भी नहीं सकता कि हमने कुकर में बनाई है। खीर थोड़ी ठंडे होने के बाद भी गाढ़ी हो जाती है। आप चाहें तो इस टाइम पर इसमें केसर डाल सकते हैं। देखिए ये एकदम टेस्टी और गाढ़ी खीर एकदम बनके तैयार हो गई है। अब हम मसाला पूड़ी बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है और इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, साथ ही डालेंगे आधा कप बेसन। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी। इसको इस तरह से हाथों से क्रश करके डालें। अब डालेंगे 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, चुटकी भर हल्दी। और अब हम इसका एक टाइट डो बना लेंगे जैसा हम पूड़ी के लिए बनाते हैं। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और टाइट आटा इसका गूंथना है हमको। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून ऑयल और स्मूथ कर लेंगे इसको इस तरह से। इससे क्या होगा हमारी पूड़ी जो है वो फूली बनेगी। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक के रेस्ट करने देते हैं। देखिए 5 मिनट हो गए हैं और अब हम इसको इस तरह से एक सा कर लेंगे मसल के। देखिए हो गया है। अब हम नींबू की साइज़ के बॉल्स को इस तरह से बना लेंगे और इसको बेल लेंगे। अब हम देखिए इस तरह से, ये मैंने ऑयल गरम होने रख दिया था। इसमें अब हम एक एक करके पूड़ी डालेंगे और दबा दबा के इस तरह से फुला के बना लेंगे। देखिए फूल गई है, कितनी अच्छी फूली है ये। अब हम इसको अलट पलट कर दोनों तरफ से गोल्डन होने तक सेक लेते हैं। देखिए ये रेडी है, इसको निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम सारी पूड़ियाँ बना लेंगे। अब हम बनाएंगे मीठे पुए। इसके लिए हम लेंगे 1 कप गेहूं का आटा और इसमें डालेंगे 4-5 चम्मच चीनी यानी शक्कर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही डालेंगे 4-5 इलायची का पाउडर। मिक्स कर लेंगे इसे और इसका अब हमें घोल बनाना है। और हम घोल जो बनाने वाले हैं वो बनाएंगे हम दूध से, पानी से नहीं घोलेंगे इसको। ट्रस्ट मी गाइस, ये इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। अब हम इसके पकोड़े के घोल की तरह इसका घोल बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और मिक्स करेंगे। एक साथ न डालें क्योंकि ये आटा है, इसमें गांठें बहुत ही जल्दी पड़ जाती है।
देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसको अब हम 5 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देते हैं। इससे क्या होगा, इसकी चीनी जो है वो घुल जाएगी और आटा भी अच्छे से फूल जाएगा। देखिए 5 मिनट हो गए हैं, तो चलिए इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, इसके हम पकौड़े की तरह इसको बना लेंगे। इस तरह से हम डाल देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर गोल्डन होने तक हम सेक लेंगे। देखिए गोल्डन हो गए हैं, अब हम इसको पलट लेते हैं और देखिए ये पुए भी बनके रेडी हैं। अब हम बनाएंगे चावल। तो सिंपली राइस को हम बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए मैंने 1 लीटर पानी लिया है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच जितना, और इसको अब हम उबाल लेंगे अच्छे से। ये मैंने 1.5 कप के करीब चावल लिए थे, इसको मैंने साफ़ पानी से 3-4 बार वॉश कर लिया था और 20 मिनट के लिए भिगोने रख दिया था। पानी बॉयल हो गया है, अब हम इसमें ये राइस डाल देंगे और इसको फिर से एक बॉयल आने तक फुल फ्लेम पर पका लेंगे। जब इसमें बॉयल आ जाए तो हम इसकी फ्लेम को कम कर देंगे और चावलों को हम पकने देंगे। चावल जब पक जाते हैं तो ये ऊपर फ्लोट करने लगते हैं, तैरने लगते हैं। साथ ही आप इसको दबा के चेक कर सकते हैं। देखिए बॉयल हो गए हैं, अब हम इसका पानी निकाल लेते हैं और ये कितने खिले खिले चावल बने हैं एकदम अलग अलग। तो रेडी है हमारी थाली, चलिए इसको असेंबल कर लेते हैं। मेरी और भी थाली की रेसिपीज़ अगर देखना चाहते हैं आप, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो लग रही है ना एकदम टेस्टी, ज़रूर ट्राई करें इन रेसिपीज़ को, और अगर पसंद आई है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो और इसी तरह के आप और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो जल्दी से वीडियो के नीचे इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, उसके बाद इस घंटी को दबाना है। ऐसा करने से जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगी आपके पास तुरंत एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।